बहुत बहुत स्वागत है निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आज की वीडियो एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन ये एक्चुअली मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अरमान फैमिली यानी कि फिटनेस फैमिली ब्लॉग जो चैनल बनाते हैं यानी कि अरमान मलिक, उनके घर में अभी 3 बच्चे हुए हैं। लेकिन किसी ने ये क्लेम किया है, एक पाकिस्तानी खाला है जो ये क्लेम करी, उन्होंने पहले भी बहुत सारे क्लेम किए हैं कि ये अरमान मलिक की 3री शादी है, उसकी 3 वाइफ है, ये है वो है। खैर उन चीजों पर नहीं जाते, अभी जो पर्टिकुलर जो चीज आती है, देखिए आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, बट ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपके काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। अगर कोई भी आके उठा के मुंह कह देगा अरे ये इसके अपने बच्चे नहीं है, तो आप सामने वाले पर सोचो उस पर क्या बीतती होगी। खैर इस चीज को भी छोड़िएगा, आप उनको पसंद कर रहे हैं वो आपकी पसंद है, आप उनको ना पसंद कर रहे हैं वो आपकी पसंद है। माना कि अरमान मलिक की एक गलती है कि उसने भाई एक साथ साथ दो दो शादी की हुई है, इसको हम गलती ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद वो व्लॉगिंग करते हैं, अच्छे खासे वो व्लॉग्स बनाते हैं। सच में मैं उनको व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे पसंद आते हैं, और मैं उनके तीनों चैनल को व्लॉग्स देखती हूँ। रीजन उनके व्लॉग्स अच्छे होते हैं और वो अपने व्लॉग्स में नॉलेज देते हैं, ऐसा कुछ गलत चीजें वो नहीं सिखा रहे हैं, नहीं तो वल्गैरिटी वो दिखा रहे हैं, नहीं तो कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही दिखाते, तो उनके व्लॉग्स क्यों ना देखे जाए, ना तो कोई झूठ बोल रहा है, सब कुछ अच्छा लगता है। और जो चीज बुरी लगेगी वो चीज बोली जाएगी, जो चीज उनकी शादी से रिलेटेड है वो चीज बोली जाती है। बट उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी दोनों वाइफ जो अच्छी तरीके से रह रही है उस पर हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। दोनों वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज पे हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना सिर्फ कर सकते हैं कि भाई सोशली जो मैसेज जा रहा है लोगों के पास में कि दो औरतें साथ में मिलकर एक तरीके से अच्छी रह सकती है अगर आप दो शादी करें, तो ऐसा नहीं होता। वो उनको पता होगा कि उनके घर में असली प्रॉब्लम क्या आती है। इस चीज में प्रॉब्लम भी आती है, अगर उसमें उन्हें अच्छाई दिख रही है तो उनके साथ प्रॉब्लम भी जरूर होगी, और ऐसा नहीं है उनके साथ अच्छा है तो उन लोगों के साथ में बुरा नहीं होगा। बहुत बुरा चीज का हो सकता है, इसका रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा हो सकता है कि अगर दो शादी की जाए। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने ये कहा है कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, तो उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको कोई पाकिस्तानी बोल दे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है, तो हमको अगर यूट्यूबर बोल दे भाई कि इंडियन है तो हमें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई इंडिया से है, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पाकिस्तान से बोला जाएगा, अब अफगानिस्तान या फिर इराक यहाँ से कहीं से नहीं बोला जाएगा ना, तो इस चीज में इतनी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर बोल दिए तो ठीक है, अगर कंट्री से किसी को रिलेट कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है ना, प्राउड होना चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर। बट इस चीज को छोड़िएगा, यहाँ बात करते हैं हम उनकी कि ये क्लेम किया गया है कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके नहीं है, मतलब ये कि ये सब एक फेक स्क्रिप्ट तैयार की गई और सब फेक बनाए गए हैं और ये सब चीजें। तो उसके साथ में लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं जो अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले तो बता दूं, मैं इंडिया के अंदर अगर बच्चा गोद लिया जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर होते हैं, इतनी आसानी से बच्चे गोद नहीं लिया जाता, जिसका लंबा प्रोसीजर होता है इस तरीके से कि मुंह उठा के किसी ने भी बच्चा अडोप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्पेशली जो जिनको माँ बच्चे नहीं है ना, और मतलब उन लोगों को तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगली चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो बच्चे अडोप्टेड तो नहीं है, बच्चे अडोप्टेड नहीं है। दूसरी चीज आती है कि क्या बच्चे सैरोगेसी से हुए हैं, तो नहीं बच्चे सैरोगेसी से नहीं हुए हैं, क्योंकि सैरोगेसी भी इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है, इलीगल है। और अगर उन्होंने छुपके से कुछ ऐसी चीज की भी है, आप खुद सोचो अगर वो छुपके कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं तो वो क्या उस डॉक्टर का नाम सबके सामने बता देते, क्या वो जो डॉक्टर बार बार आ रही है सबके सामने बता देते। अगर उनकी, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने चीजें बहुत सोची है, इसके बाद मैं बोल रही हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है कि भाई सैरोगेसी से बच्चा कर लिया, वहां पे बच्चा किसी और ने किया लेकिन जाके इनकी वाइफ लेट गई, इस चीजों को सोच के आप ये सोच सकते हैं कि फिर वो डॉक्टर अपना नाम कभी भी सामने नहीं आने दे सकता था, वो मना कर देती कि मैं सामने नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर इस चीज का खुलासा हुआ, ये खुल गई ये चीजें, तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, जेल तक हो जाएगी। तो आप खुद सोचिएगा अगर उन्हें ऐसा काम करना पड़ता तो डॉक्टर कभी भी सामने नहीं आ सकती थी, डॉक्टर आती नहीं। और आपको बताया कि अगर अरमान मलिक को पसंद करने वाले हैं तो उनको के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं, तो कोई भी इस चीज का जो है पड़ताल करके उस चीज का खुलासा कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बच्चे सैरोगेसी से भी नहीं हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबी एकदम से आ कहां से गए हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं है इनके अपने बच्चे नहीं है, सैरोगेसी से नहीं है, अडोप्टेड नहीं है, तभी के तभी वो बच्चे हुए हैं तो कहां से आ गए। कुछ लोग बोल रहे हैं
कि सिर्फ वेट बढ़ा हुआ था इनका और ये तो खुद वेट गेन नहीं किया। तो आपको बता दूं कि ये फिटनेस एक चैनल चलाते हैं, फिटनेस से रिलेटेड, और नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस पर क्यों रहता है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी जो जर्नी उसमें शेयर की है कि किस तरीके से उन्होंने खुद को मेंटेन किया है। एक्सरसाइज करती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी आप ये लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये इनके अपने बच्चे नहीं है। अरे ये मतलब वो IVF के लिए बार बार ट्राई करी थी, उनका IVF उसी टाइम पे सफल हो गया जब कृतिका मलिक प्रेग्नेंट थी, तो उस चीज में उनकी गलती क्या है? इस चीज पे पॉइंट आउट लोग क्यों कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, भाई उनके ही बच्चे हैं और ये सबूत है बहुत चीजों का। पहले तो बात यही है कि वो लोग ऑपरेशन थिएटर में गए, अंदर तक गए, आप क्या चाहते थे कि अंदर ऑपरेशन करते हुए उनको दिखाएं? दूसरी बात यह है कि भाई जब वो हॉस्पिटल में वो वहां पर रहे तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो उस टाइम पे करते हैं डॉक्टर्स, वो उनके ऑलरेडी करते हुए दिखा रहे हैं, तो कोई इतना ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं तैयार करेगा सिर्फ किस लिए कि लोगों को दिखा दें ये चीज के व्यू। अगर उनको व्यू बटोरने होते हैं ना, आप खुद सोचिए, वो एक बच्चे का नाटक करते, कृतिका मलिक के बच्चे का नाटक करते और कृतिका मलिक के बच्चे के लिए ये सब करते, उसके बाद जब वहां का कंटेंट वो खत्म हो जाता तो शायद वो पायल की प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें करते, बट एक साथ उन्होंने किया। और कोई इतना यहाँ पर सरदर्द नहीं बैठ रहा जो तीन बच्चे एक साथ पैदा कर लेगा और तीनों बच्चों को संभालेगा, तो जो संभाल रहे हैं ना वो ही समझ सकते हैं। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो बच्चे सैरोगेसी से हुए हैं, ना ही वो अडोप्टेड हुए हैं, और अगर किसी और से भी लिए गए हैं तो भैया इस चीज का खुलासा आप लोग कर दीजिएगा जो इतने ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। और हाँ, कुछ महिलाएं जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो बहुत जल्दी ऑपरेशन से रिकवरी कर लेती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जहाँ पर रहते थे पहले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गढ़वाली थे, तो गढ़वाली उनके यहाँ पे क्या होता था, जैसे बच्चा पैदा हुआ नॉर्मली हुआ तो नेक्स्ट डे वो अपने कपड़े वगैरह खुद धोती थी, ऑपरेशन से हुआ 2-3 दिन बाद में वो खुद अपने काम करने लगती थी। वो इंसान के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से खाया पिया हुआ है, कितना वो स्ट्रांग है। तो इन चीजों का इशू बनाकर, इन चीजों को फालतू के लोग क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे टॉपिक उठाओ, और जो चीजें आप पहले बोल रहे थे शायद वो सच हो सकती है, झूठ हो सकती है, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो चीज है, ये जो क्लेम किया जा रहा है कि उनके बच्चे नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।